कांग्रेस नेता व हमीरपुर सदर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने आज भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि आज जो हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड के भंग होने पर भाजपा नेता इतना हो हल्ला मचा रहे हैं, वे तब कहां थे जब यहां पर 5 साल तक हमारे नौजवान बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा हो रहा था और पैसे लेकर पेपर बेचे जा रहे थे। भाजपा के नेताओं की स्थिति बिल्कुल वैसी हो चुकी है जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, क्योंकि अब उनके पास करने को कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है और इस आयोग को भंग किया है, न कि इसको हमीरपुर से स्थानांतरित किया गया है। इसलिए उन्होंने भाजपा नेताओं को ये भी कहा है कि वे इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाएं कि आयोग अब यहां से स्थानांतरित हो गया है, हमीरपुर चयन आयोग की बिल्डिंग यहीं पर है और यहीं से चलेगा। और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान पर भी तंज कसते हुए कहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि चेयरमैन और मेंबरों को हटाने के लिए इसे भंग किया गया। भाजपा की स्थिति तो अब वो हो गई है जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी वाली हो गई है, क्योंकि देखिए प्रदेश में सरकार सुख की सरकार को बने अभी 2 महीने हुए हैं, बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले जो उसमें लिए गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनकी सरकार में खजाना तो खाली था ही था, ऊपर से देनदारियां 5600 करोड़ रुपया पेंशनरों का, 4400 करोड़ रुपया कर्मचारियों का, 900 करोड़ रुपया डीए का एरियर, इतना देनदारी 11-12 हजार करोड़ रुपए की देनदारी छोड़ के गए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो उनके फैसले थे जो 900 संस्थानों को डी नोटिफाई करा, उससे 5000 करोड़ रुपए की जो है वो सेविंग हिमाचल प्रदेश सरकार की हो रही है, क्योंकि ऐसे संस्थान खोले गए थे जिनमें कि अभी किसी तरह का कोई स्टाफ ही नियुक्त नहीं किया गया। और बाकी रही हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की बात, तो उसको भंग किया गया है, उसको कोई बंद नहीं किया गया है। भाजपा की सरकार तब कहां थी, अब तो ये सब इकट्ठे होकर चिल्ला रहे हैं सड़कों पे, उतरें खुशी से उतरें, लेकिन ये बताएं कि बेरोजगार युवकों से जो 5 साल तक उनकी जो करियर थे, उनके जो जीवन से जो खिलवाड़ हो रहा था, तब ये कहां थे? जब पैसे लेके पेपर बिक रहे थे तो ये कहां थे? तो माननीय सुक्खू जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है और इसको भंग किया गया, बंद नहीं किया गया, और ये भ्रांतियां फैलाना बंद कर दें कि हमीरपुर से शिफ्ट हो गया। अब तब तक के लिए जो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है कि भाई पब्लिक सर्विस में कमीशन शिमला से तब तक भर्तियां करेंगे और इसको चालू किया जाएगा। यही खड़ी है हिमाचल हमीरपुर चयनों की बिल्डिंग, यही खड़ी है, यही रहेगी और यहीं से ये चलेगा। तो थोड़ा इंतजार करें। बाकी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी कह रहे हैं कि चेयरमैन और मेंबरों को हटाने के लिए ये किया गया, तो ये बताएं कि ऐसे चेयरमैन और मेंबरों का क्या करना है जिनके नाक के नीचे से हमारे प्रदेश के बेरोजगार नौजवान लोगों के जो भविष्य है उससे खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे लोगों का क्या करना? तो ये बिल्कुल सही निर्णय है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, और इसके लिए समय लगता है, हर जांच में समय लगता है, और हमीरपुर का जो चयन आयोग है वो सिर्फ भंग हुआ है, यहीं से चालू होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हमीरपुर से, उनको मालूम है कि हमीरपुर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है।